देखिए इस वीडियो के अंदर देखिए हम आपको ये पूरा का पूरा चार्ट बनाएंगे ऐसा कैसा। तो देखिए आप इतना पेज कवर कर लीजिए क्योंकि इतने पूरे पेज में ये चार्ट बनेगा और इस चार्ट को बनाते हैं हम वीडियो में आगे। हेलो गाइस, तो इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ओके, अब बेसिकली इस टॉपिक की ज़रूरत क्या पड़ी। तो देखिए जब आप पढ़ते हो ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो आप वहाँ पढ़ते हो टू टाइप्स के न्यूरॉन, एक होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन, एक होते हैं एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। ओके, तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन तो क्या सेक्रेट करते हैं, एसिटाइल कोलिन। तो इसकी वीडियो हमने आपको बना दी है कि बेसिकली जो हमारा नर्व का टर्मिनल एंड होता है वहाँ पे ACH बनता कैसे है और सिक्रेट कैसे होता है। तो ACH वाली वीडियो हमने अपलोड कर दी है और इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि बेसिकली जो हमारा नोर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, तो उनके अंदर नॉन एड्रीनलिन बोल दीजिए या बोल दीजिए नोर एपिनेफ्रिन, इसका सिक्रीशन बेसिकली कैसे होता है। तो बेसिकली सिक्रीशन करने से पहले हम ये समझेंगे ना कि बेसिकली नॉन नॉन एड्रीनलिन या फिर नॉन नोर एपिनेफ्रिन बेसिकली बनता कैसे है। पहले बनना सीखेंगे फिर बताएंगे कि ये नर्व एंडिंग पे सिक्रीट कैसे होता है। ओके, तो इसके अंदर बताएंगे सारा का सारा मेथड कि बेसिकली ये बनता कैसे है। ओके, देखिए और देखिए ये टॉपिक आप दो जगह पढ़ेंगे, आप इस टॉपिक को फार्माकोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, बायोकेमिस्ट्री में कहाँ पढ़ेंगे, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर, क्योंकि आपको पता हो टायरोसिन क्या है, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। ओके, ओके, टायरोसिन बनता कैसे, फिनाइल एलेनिन से, फिनाइल एलेनिन ही टायरोसिन में चेंज होता है। तो बेसिकली कहाँ पढ़ेंगे, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, कहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एंड सेकेंड ईयर में कहाँ पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में कहाँ पे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब जो ड्रग्स ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर एक्ट करती है वहाँ पे पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वही पूरा का पूरा चार्ट बनाएंगे कि बेसिकली नोर एड्रिनेलिन या फिर नोर एपिनिफ्रिन बनता कैसे हैं। तो स्टार्टिंग होती है फिनाइल एलानिन से। बेसिकली एट फर्स्ट क्या होगा, फिनाइल एलानिन, देन फिनाइल एलानिन हमारा चेंज होता है किसमें, टायरोसिन अमीनो एसिड में। ये चेंज होगा हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड में, देन टायरोसिन अमीनो एसिड किस में चेंज होता है, ये चेंज होगा हमारा डोपा में, डोपा मतलब डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। देखिए मतलब फिनाइल एलानिन का जो फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे उसमें कुछ नहीं, टू हाइड्रोक्सी टू OH ग्रुप ऐड कर देंगे और क्या बन जाएगा, डोपा, डोपा मतलब डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। देन डोपा से क्या बनेगा, डोपा से बनेगा हमारा डोपामिन। ओके, देन डोपामिन से क्या बनेगा, डोपामिन के बाद बनेगा हमारा नोर एपिनेफ्रिन। नोर एपिनेफ्रिन, देन नोर एपिनेफ्रिन से क्या बनता है, इससे बनेगा हमारा एपिनेफ्रिन। देन इपिनेफ्रिन से क्या बनता है हमारा मेटानेफ्रिन। देखिए सारा क्लियर करेंगे, अभी हम पूरा आपको ओवरऑल बता रहे हैं। एंड देन मेटानेफ्रिन से क्या बनता है हमारा VMA, VMA मतलब दिस इज वेलिनाइल मैंडेलिक एसिड, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ VMA, फुल फॉर्म आपको बता देंगे अभी जब बताएंगे इसके बारे में। ओके, तो देखिए आपको ये सारा का सारा वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आपको सारा का सारा चार्ट मिल जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं एट फर्स्ट की फिनाइल एलानिन से क्या बनेगा। देखिए फिनाइल एलानिन चेंज होता है हमारा टायरोसिन में, देन टायरोसिन चेंज होता है हमारा डोपा में, देन डोपा चेंज होगा हमारा डोपामिन में, देन डोपामिन चेंज होता है हमारा नोर एपिनेफ्रिन में, देन नोर एपिनेफ्रिन चेंज होता है हमारा एपिनेफ्रिन के अंदर, एंड देन एपिनेफ्रिन हमारा चेंज होता है मेटानेफ्रिन में, एंड देन मेटानेफ्रिन चेंज होता है हमारा VMA मतलब वेलिनाइल मैंडेलिक एसिड। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं हम फिनाइल एलानिन का फॉर्मूला। तो देखिए इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा, क्योंकि दिस इज अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के सारे देखिए ना, जितने भी 20 अमीनो एसिड्स हैं उन सारों अमीनो एसिड्स के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए।
अगर आपको पता नहीं है तो मैंने अमीनो एसिड के फॉर्मूले को कैसे याद करते हैं उसकी एक वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए या फिर साइड में आई बटन पर जाइए, वहाँ पर मैंने सारी की सारी स्ट्रक्चर्स डाल रखी है अमीनो एसिड्स की, वहाँ पर जाके याद कीजिए। देखिए बायोकेमिस्ट्री में सारे अमीनो एसिड्स के फॉर्मूले आपको पता होने ही चाहिए, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो फिनाइलिलेजिन इसका फॉर्मूला होता है, नाम से पता लग रहा है फिनाइल मतलब हमें बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी, CH2CH COOH। देखिए मैं इतनी स्पीड से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। देन फिनाइल एलेनिन से हमें बनाना है टायरोसिन, तो देखिए दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस इस पर हम फिनाइल एलेनिन पे हम एक OH ग्रुप ऐड कर देंगे, कहाँ पे, इसकी ऑर्थोमेटा एंड पैरा, इसकी अगर हम पैरा पोजीशन पे एक OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टायरोसिन। तो देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसकी पैरा पोजीशन पे एक OH ग्रुप ऐड करना है, या फिर देखिए हमने क्या है इस ओवरऑल, देखिए यहाँ पे कितनी स्टेप्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन, टोटल सेवन स्टेप है। तो देखिए इन सेवन स्टेप के चेंजेस हमने एक साथ याद कर लिए, क्योंकि देखिए ये वाली सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बोला ना कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर MBBS में पढ़ेंगे। ओके, तो इनकी सेवन स्टेप की सिक्वेंस क्या है, OH OH देन COOH देन OH, उसके बाद क्या है CH3 देन OCH3 एंड देन क्या है COOH। ओके, देखिए ये सात चेंजेज है। ओके, देखिए इससे ये बनेगा, तो बेसिकली इस स्टेप में कोई चेंज होगा तभी तो इससे ये बनेगा, इसमें इससे में क्या मतलब, सेवन स्टेप मतलब सेवन चेंजेज। तो देखिए सेवन चेंजेज को हमने एक साथ लिख लिया, फर्स्ट स्टेप में आपको दोनों फॉर्मूलाज में OH का चेंज मिलेगा, सेकंड में भी OH का चेंज मिलेगा, थर्ड में COOH का चेंज मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सेवन स्टेप्स एंड सेवन चेंजेज, फर्स्ट स्टेप में क्या चेंज है OH का, तो देखिए ये पूरा दोनों फॉर्मूला सेम है और हमें बेसिकली इसमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे OH ऐड करना है, ये हमने OH ऐड कर दिया। देखिए सेकंड स्टेप है, ये वाली सेकंड स्टेप है ना, तो इसमें क्या चेंज होगा, इसमें भी OH का चेंज होगा, मतलब हमें इस फॉर्मूला के अंदर एक और OH ऐड करना है, CH2 CH COOH and NH2। ओके, तो हमें इसके अंदर भी क्या करना है, एक और OH ऐड करना है, तो बेसिकली ये एक और OH हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे ये OH पहले था ही सही। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक और OH का, तो हमारी सेकंड स्टेप पूरी हो गई। थर्ड स्टेप में क्या डिफरेंस है, COOH का, मतलब कि इस स्टेप में जो COOH है वो हमें क्या करना है, इस स्टेप के अंदर गायब करना है, मतलब CO2 निकालनी है। गायब कैसे होगा, CO2 निकाल के तो गायब होगा, तो बेसिकली इस स्टेप में हम क्या करेंगे, CO2 को रिमूव कर देंगे। तो ये फिनाइल हो गया, ये OH आ गया, अब नया फॉर्मूला क्या बनेगा, CH, यहाँ पे CO2 रिमूव हो गए तो बेसिकली हाइड्रोजन बचेगा, एंड यहाँ क्या बचा, NH2। ओके, तो देखिए थर्ड स्टेप के अंदर क्या हुआ, थर्ड स्टेप के अंदर हमारा CO2 का चेंजेज हो गया, यहाँ लिखा था ना थर्ड स्टेप में CO2 चेंज होगा, COOH का चेंज होगा, तो देखिए COOH से यहाँ पे HE रह गया। ओके, देन फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में वही N अगेन OH का चेंज मिलेगा, मतलब इन दोनों फॉर्मूलाज में हमें OH का चेंज करना है, तो वह कैसे, यहाँ पे जो CH2 है ना, इस पे यहाँ पे इस फॉर्मूला में OH ऐड करना है, CH CH2 NH2 OH OH। ओके, और यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे OH ऐड कर देंगे। देखिए दिस इज फोर्थ स्टेप, इनके स्टेप के नाम लिखी देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो, दिस इज फोर्थ, दिस इज थ्री सेकेंड फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में OH OH, तो फोर्थ स्टेप में क्या था, OH का चेंज था, देखिए तो फोर्थ स्टेप में यहाँ पे हमने OH एक्स्ट्रा जोड़ दिया जबकि यहाँ OH नहीं है। फिफ्थ स्टेप में क्या चेंज है, फिफ्थ स्टेप में हमें CH3 लगाना है, देखिए ना CH3 ऐड करना है, तो अब बेसिकली CH3 कहाँ लगाएंगे, CH3 लगाना है हमको NH2 के साइड में, NH2 के पास 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसमें क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन तोड़ के यहाँ पे CH3 ऐड कर देंगे, तो OH OH CH OH CH2 NH, और बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें CH3 ऐड करना है, देखिए नंबर 5 में हमें CH3 ऐड करना है, नंबर 6 में क्या करना है, OCH3 ऐड करना है, OCH3 कहाँ ऐड करेंगे, जो ये वाला OH है ना, तो OH मतलब हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे CH3 ऐड करना है। तो देखिए सिक्स्थ स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, CH3 ऐड करेंगे, इसमें भी देखिए इसमें भी हमने पांचवी स्टेप में भी CH3 ऐड किया था, सिक्स्थ स्टेप में भी CH3 ऐड करेंगे, लेकिन जो सिक्स में CH3 ऐड करेंगे वो क्या बनेगा,
वो बनेगा हमारा OCS3, इसीलिए हमने OCS3 लिखा है। यहाँ पे क्या है O, और बेसिकली यहाँ क्या ऐड करेंगे हम, यहाँ CH3 ऐड करेंगे। ओके तो देखिए सिक्स स्टेप में हमने OCS3 बना दिया है, जो कि हमने यहाँ लिखा था OCS3 हमने बनाना है। ओके सेवन्थ स्टेप में क्या करेंगे, CWH का चेंज होगा। मतलब क्या कि इसके बाद का जो भी पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट हमें इस पार्ट को हटा के यहाँ पे CWH ऐड करना है। तो करते हैं, चलो CWH ऐड, तो वही OH O CH3 CHOH, और बेसिकली यहाँ क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम COOH ऐड कर देंगे। ओके तो देखिए सेवन स्टेप एंड सेवन चेंजेज। देखिए अगर आपको ये सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस याद करना है OH CWH OH CHT OCH3 CWH, तो आपको सारे के सारे सेवन स्टेप्स के फॉर्मूलाज विद मतलब सारे के सारे फॉर्मूलाज पता हो जाएंगे। अब देखिए अगर हमें फॉर्मूलाज पता है तो अब सारा काम सिंपल है। जैसे कि हमने आपको ग्लाइकोलाइसिस में बताया था कि अगर आपको नाम और फॉर्मूलाज पता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहें। अब बेसिकली आप अज्यूम कीजिए कि जो ये फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप के अंदर इसमें OH नहीं है, जबकि इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा OH हो गया। मतलब कि फिनाइल अलानिन के अंदर क्या हुआ है, OH का ऐड हुआ है। तो एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम होगा हमारा फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके मतलब फिनाइल एलानिन के ऊपर हाइड्रोक्सीलेशन हुआ है, OH जुड़ा है, एच हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी लेस हुआ है। ओके देन सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, सेकंड स्टेप में भी क्या हुआ है, इसमें भी हमारा हाइड्रोक्सीलेशन हुआ है। देखिए ना यहाँ पे एक OH था लेकिन यहाँ पे दो OH हो गए, तो इसमें भी एक OH और एक्स्ट्रा जुड़ गया ना। तो बेसिकली इसमें किस पे हुआ है, इसमें जो हाइड्रोक्सीलेशन हुआ है वो किसका हुआ है, टायरोसिन का। तो बेसिकली एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम होगा हमारा टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज। देन थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन। देखिए ना CWH को हटाया है हमने, देखिए इसमें CWH नहीं है, तो बेसिकली किसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, डोपा का। तो क्या लिखेंगे, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये एंजाइम्स लिख रहा हूँ मैं सारे के सारे, डिकार्बोक्सिलेज। ओके देन फोर्थ स्टेप, इसमें क्या हुआ है, देखिए फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं, वही दोबारा से OH जुड़ा है। OH किस पे जुड़ा है, डोपामिन पे। देखिए इसमें यहाँ पे CH2 के पास OH नहीं था, जबकि हमने यहाँ पे OH ऐड कर दिया है। तो क्या लिखेंगे, डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज, किसका हुआ है, डोपामिन का हुआ है ना। फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ है, देखिए ना CH3 ऐड हुआ है, CH3 ऐड कहाँ हुआ है, मिथाइल पे, नाइट्रोजन के ऊपर CH3 ऐड हुआ है। तो क्या होगा, मतलब CH3 का ट्रांसफर हुआ है, और आपको पता हो जहाँ भी CH3 का ट्रांसफर होता है वहाँ हम क्या याद करते हैं, SAM को। देखिए ना अगर आपको पता हो तो हमने इसके पहले आपको बताया था बायोसिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन, इसमें बताया था। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, मिथाइल का ट्रांसफर किया था। तो देखिए जहाँ पे आपको मिथाइल का ट्रांसफर करना है ना, तो मिथाइल कौन देगा, ट्रांसफर करना है तो कहीं से मिथाइल तो आएगा ही सही ना। तो जो होता है ना SAM, मतलब यहाँ लिखा था SAM मतलब एस एडिनोसिल मिथियोनिन, जो एस एडिनोसिल मिथियोनिन है ये अपना मिथाइल डोनेट करता है किसको, SAM अपना मिथाइल डोनेट करेगा ग्वानिडो एसिटिक एसिड को, और खुद SAM किस में चेंज हो जाएगा, SAH में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पे भी हमें नंबर फिफ्थ स्टेप में हमें मिथाइल चाहिए, मिथाइल चाहिए तो कौन देगा, SAM। तो देखिए SAM हमारा मिथाइल देगा, और खुद किस में चेंज हो जाएगा, SAH में चेंज हो जाएगा। और बेसिकली मिथाइल का ट्रांसफर किस पे हुआ है, N पे, नाइट्रोजन पे हुआ है। तो एंजाइम कौन सा यूज होगा, एंजाइम का नाम होगा हमारा NMT मतलब N मिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, फुल फॉर्म है एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके तो एन मिथाइल ट्रांसफरेज। देन सिक्स स्टेप में देखिए, सिक्स स्टेप में क्या करना है हमको,
सिक्स में भी हमें मिथाइल का ट्रांसफर करना है, बट इसमें मिथाइल का ट्रांसफर बेसिकली कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन पे। देखिए ना, यहाँ OH था लेकिन यहाँ OCH3 हो गया, तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है, वही पहली बात है, मिथाइल का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो मिथाइल कौन देगा, हमारा मिथाइल देगा SAM, और ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, SAH, सेम SAH के अंदर चेंज हो जाएगा S एडिनोसिल मिथियोनिन, और चेंज होगा S एडिनोसिल होमोसिस्टिन के अंदर। ओके, एंजाइम कौन सा यूज होगा, एंजाइम का नाम होगा हमारा COMT। देखिए ना, आपको बताओ, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, आपने अगर 12th में पढ़ा हो केमिस्ट्री के अंदर, तो कैटेकोल होती है, रिसोर्सिनोल होती है, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर कौन सी है, कैटेकोल, मतलब कैटेकोल वाली पोजिशन पे दो OH होते हैं ना, उसे कैटेकोल बोलते हैं। किसी भी बेंजीन रिंग पर अगर दो OH अटैच हो, तो अगर दोनों पास वाले कार्बन पे हो, तो उसे बोलते हैं कैटेकोल। कैटेकोल के ऑक्सीजन पे मिथाइल का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए बोला कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पे हो रहा था ना, तो हमने बोला ना एन मिथाइल ट्रांसफरेज, यहाँ पे किस पे हो रहा है, ऑक्सीजन पे हो रहा है, तो यहाँ बोलेंगे कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। कैटेकोल क्यों बोला, क्योंकि देखिए इस बेंजीन रिंग पे दो OH पास वाले कार्बन पर अटैच है, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैटेकोल। तो बेसिकली इस COMT का नाम क्या होगा, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज हो गया COMT। देन नंबर, सॉरी, सेवेंथ स्टेप, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, हमने बोला था सेवेंथ में कुछ नहीं, इस पूरे स्ट्रक्चर को टाके हमें COOH ऐड करना है, और इसके अंदर देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये अमीनो ग्रुप हटके अमीनो ग्रुप की जगह COOH मतलब एसिड जुड़ रहा है। एंजाइम कौन सा होगा, MAO बोल दीजिए, या बोल दीजिए मोनो अमीनो, देखिए अमीनो ग्रुप ही तो है, एक ही है यार, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। ओके, तो ये हो गया मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। ओके, देखिए हमने पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स पढ़ ली एंड सारे के सारे एंजाइम्स पढ़ लिए हैं। तो देखिए हमने पूरा समझ लिया कि बेसिकली पूरा का पूरा नेमिंग पढ़ ली, क्या पढ़ा था पहले, मेन प्रॉब्लम हमारा मेन टॉपिक था कि बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मेकोलॉजी दोनों कवर की है इसके अंदर, और देखिए कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में भी आपको इतना पढ़ना है और फार्मेकोलॉजी के अंदर भी इतना पढ़ना है। ओके, तो देखिए हम यहाँ थोड़ा भूल गए थे VMA का मतलब क्या है, थोड़ा नीचे पेज करते हैं, इसका नाम है वेलिनाइल मैंडेलिक एसिड। ओके, तो VMA की फुल फॉर्म ये है। उसके बाद देखिए जो ये वाली स्टेप है ना, कहाँ पे है, नंबर 3, मतलब जहाँ पे SAM के ऊपर। ओके, तो देखिए ये डोपामिन हाइड्रोक्सीलेज वाली स्टेप है ना, इस स्टेप के अंदर बेसिकली आपको दो चीज़ें याद करनी है, दो चीज़ें क्या, एक तो याद करना है कि इस स्टेप के अंदर कॉपर +2 ये यूज होता है, और बेसिकली क्या होता है, विटामिन सी। ओके, तो विटामिन सी एंड कॉपर +2 कहाँ होगा, नंबर चार, मतलब जब डोपामिन नॉन एपिनेफ्रिन में चेंज हो रहा है। ओके, तो देखिए ये सारा का सारा हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। टॉपिक का नाम क्या था, कि बेसिकली टायरोसिन अमीनो एसिड से हमारा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इनका सिंथेसिस कैसे होता है। ओके, तो ये सारा का सारा देखा हमने इस वीडियो के अंदर। देखिए इस पूरे चार्ट की फोटो चाहिए आपको, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक लिंक दे रखा है, तो वहाँ जाके आप पूरा का पूरा चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो के लास्ट में भी दे रखा है, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं।